नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। थाना लांबड़ा के अंतर्गत आते गांव तराड़ के पास से गुजर रही नहर के पास एक महिला का मिला शव, नहीं हो पाई पहचान। जालंधर की क्राइम ब्रांच की टीम ने वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को किया काबू, 20 वारदातों को किया ट्रेस। होशियारपुर के थाना गढ़शंकर की पुलिस ने एक आरोपी को किया काबू, एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा रौंद और मोटरसाइकिल किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। थाना लांबड़ा के अंतर्गत आते गांव तराड़ के पास से गुजर रही नहर के पास एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। मीडिया से बात करते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि गांव से किसी व्यक्ति ने शव मिलने की सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि शव किसी महिला का है जिसकी उम्र करीब 33 वर्ष है, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस गांव तराड़ और आसपास के गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, कल सानू एक अननोन डेड बॉडी मिली सी, जो एक लेडी दी सी, जो तराड़ा पिंड तो गद्दोवाल नू जिहड़ा शहर सड़क जाती है उसके किनारे ते मिली है, जिस संबंधी असी FIR दर्ज कर दी गई है। जो उसका गला घुट के उसका मर्डर किया गया, जिस संबंधी असी FIR दर्ज करके हम अगली तफ्तीश असी अमल च लिया रहे हैं। जालंधर के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के दिशा निर्देशों पर DCP इन्वेस्टिगेशन हरविंदर सिंह विर्क, ADCP इन्वेस्टिगेशन भूपेंद्र सिंह, ACP डिटेक्टिव परमजीत सिंह की हिदायतों पर क्राइम ब्रांच के इंचार्ज हरविंदर सिंह की टीम ने क्राइम की वारदातों को अंजाम देने के मामले में 3 आरोपियों को काबू किया है। वहीं आरोपियों की पहचान गुरुशरण सिंह उर्फ गोलू, सुनील कुमार उर्फ शीलू और लवप्रीत सिंह उर्फ लव, तीनों निवासी गांव वरियाना के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि एक दोषी मौके से फरार हो गया, जबकि 3 को काबू कर लिया गया है। इनमें से 2 सगे भाई हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बोलेरो गाड़ी बरामद करके 20 वारदातों को ट्रेस किया है। तो वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि नई सब्जी मंडी नागरा के पास पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि आरोपी सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी में सवार होकर मोबाइल बेचने के लिए शिवनगर फाटक के पास घूम रहे हैं, जिनके पास से तेजधार हथियार और छीने हुए मोबाइल बरामद हो सकते हैं। इस दौरान पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शिवनगर फाटक के पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी को देखकर आरोपियों ने गाड़ी धीरे कर गाड़ी में से भागने की कोशिश की। इस दौरान भागते समय आरोपियों के चोटें भी लगी। पुलिस ने आरोपियों को काबू कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 15 मोबाइल, एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। वहीं आरोपियों को घायलावस्था में उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि 30 वर्षीय गुरशरण सिंह शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। पुलिस ने बताया कि गुरशरण सिंह 10वीं पास है और हेरोइन पीने का आदि है। 25 वर्षीय लवप्रीत 8वीं पास है, वह वेल्डिंग का काम करता है और वह भी हीरोइन पीने का आदि है। वहीं 27 वर्षीय सुनील कुमार 10वीं पास है, वह ट्रक ड्राइवर का काम करता है, वह भी हेरोइन पीने का आदि है। आरोपी अब तक 20 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कमिश्नरेट पुलिस ने अलग अलग मामलों के कई व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसी उत्ते गलबात करने सा मौजूद है जलंधर के पुलिस कमिश्नर। गलबात करें सर, किन्ने मामले ट्रेस किए गए और किन्ने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया? ये बोलेरो कुछ एक वीडियो वायरल हुई सी, वो मामला ट्रेस लोकल पुलिस ने कर लिया है, क्राइम ब्रांच ने। तो 3 मुंडे गिरफ्तार हुए, 25-26 साल इन्हों की उम्र है। ये बोलेरो CCTV फुटेज जी वायरल हुई थी, उस किसी को घेर के कुटमार कर रहे थे, खो कर रहे थे। 25-26 साल इन्हों की उम्र है। 9 FIRs पहला लुटखो दी इन दर्ज है। जेल तो हूँ ही बाहर आए थे, कोई 2 महीने बाहर पहला आया, कुछ 6 महीने पहला आया।
इन्हों की इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन से आया है कि पिछले तीन महीनों दो तीन महीनों इन्होंने भी वारदाता जी हैं डॉक्यूमेंटेड वो ट्रेस हुई हैं बाकी होर भी वारदात जी हैं इंटरोगेशन से ट्रेस होने की संभावना है। जिदा तुम्हें क्या भी वारदात इन्होंने की भी वारदात कमिश्नरेट की या देहाती एक कमिश्नरेट की जी सर होर दो मामले कड़े कड़े एक थोड़े दिन पहला अफीम बरामद हुई सी 2 किलो उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज 2 किलो अफीम होर बरामद हुई है। एक व्यक्ति फड़ा गया है बरेली का रहने वाला ट्रेन चाहता सीगा वो भी अपना आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तीजा जिहड़ा गोली चली सी ट्रैवल एजेंट ते वो मसला भी जिहड़ा है एक बंदा होर गिरफ्तार होया हरियाणा का रहने वाला है वो रेकीकरण च मौजूद सीगा। इन्हां दा कोई गैंग नाल भी लिंक हैगा? गैंग नाल है इन कोर्स ऑफ टाइम मैं ब्रीफ कर दांगा। सर एक जिहड़ी तुसीं बलैरो गड्डी की गल कर रहे हो बलैरो गड्डी दे विच कोई महिला दा भी जिक्र आ रहा सीगा? नहीं हुण तक नहीं आया जद होगा तुहानूं दस दिता जाए। होशियारपुर के अधीन आते थाना गढ़शंकर की पुलिस ने एक आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना गढ़शंकर के SHO जयपाल सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार पुलिस पार्टी सहित गश्त पर मौजूद थे। इस दौरान रावलपिंडी की तरफ से मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे संदेह के आधार पर जब उससे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम दिनेश कुमार उर्फ सन्नी निवासी जोड़िया मोहल्ला थाना गढ़शंकर जिला होशियारपुर बताया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी पिस्तौल 3 जिंदा रौंद बरामद हुए, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया और उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। रावलपिंडी पुल के लागे नाका लाया सी, उत्ते एक शक्की व्यक्ति जिहड़ा मोटरसाइकिल ते आ रहा सी, जब पुलिस नूं देख के घबरा गया। जदों पुलिस ने उहदी डुंघाई नाल पुछगिछ कीती ते उहदे कोल जवाब जिहड़े तसल्ली बख्श नहीं देते, जदों पुलिस ने उहदी सर्च कीती तां उहदे कोल एक देसी पिस्तौल ते एक लोडेड जिहड़ा देसी पिस्तौल दे विच की गोली ते राउंड एक दो दी जेब दे विचों एक्सट्रा राउंड जिहड़े बरामद किए गए हैं। उहदे तहत उत्ते FIR नंबर 214-2549 जिहड़ी आ दर्ज की गई है। सर पहले कोई मुकदमा दर्ज है जिहदे ते? इहदे ते पहले जिहड़े आ टोटल 7 मुकदमे जिहड़े आ दर्ज ने, जिहदे विच गैम्बलिंग एक्ट NDP एक्ट ते बाकी लड़ाई झगड़िया दे जिहड़े आ इहदे मुकदमे दर्ज ने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जालंधर दौरे पर हैं। इस दौरान उद्योगपतियों से मीटिंग करने के पश्चात उनके द्वारा जालंधर के सिविल प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें उनके द्वारा केंद्र द्वारा दिए गए स्मार्ट सिटी के फंड को कहां कहां इस्तेमाल लाया गया और उनके कौन से काम पूर्ण तौर पर कर लिए गए हैं, इसके अलावा कौन कौन से काम बाकी हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की गई। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स को बुलाया है सर, एंड शुरू करने के लिए सर से ऑलरेडी आगे ले चुका हूँ कि हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन सर हमारे अलग अलग सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स की है, अगर सर चाहें तो हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफिसर्स में। ठीक है सर, तो सर के आदेश के मुताबिक सर मैं कमीशन कॉर्पोरेशन आदित्य जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक बार मीटिंग स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन। ये सर अराउंड 926 करोड़ का सर प्रोजेक्ट है जालंधर के लिए, जिसमें अलग अलग काम करवाए गए हैं। नेक्स्ट सर, इसमें अभी तक हमको 742 करोड़ रिसीव हुआ है और उसमें से 712 करोड़ अभी यूटिलाइज हुआ, बैलेंस सर 29 करोड़ हमारा ऑलमोस्ट पड़ा है सर। इसमें सर 44 वर्क्स हैं सर जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सर, 171.76 CR के सर 9 प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन है सर, और उसके बाद सर 6 प्रोजेक्ट्स हैं सर जो अंडर एग्जीक्यूशन एज डिपॉजिट वर्क्स हैं सर। हमने अलग अलग विभागों को ये फंड दे दिया है सर ये काम एग्जीक्यूट करने के लिए सर। 2 काम ऐसे हैं सर जो अंडर टेंडरिंग हैं और 4 की अभी सर DPR प्रिपरेशन हो रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जालंधर पहुंचे, जहां उनकी ओर से जालंधर के उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उद्योगपतियों को आ रही मुश्किलों को सुना गया और उनके हल संबंधी आश्वासन दिया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृतसर हवाई अड्डे से इंटरनेशनल उड़ान भरने की बात कही गई और अन्य मुश्किलों को भी हल करवाने की बात कही गई। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। और अगर 28 पिंड है जेडे कि
फोकल पॉइंट के कनैक्टेड ने वो सारे इंडस्ट्री नाल जुड़े तकरीबन 2300 इंडस्ट्री इस एरिए लगी हुई है और उसमें जान आने वास्ते शहर के एक साइड से इसे बाईपास तो क्रॉस करके जाना पैंदा और अंडरपास जो वो बहुत सुनील जी जानते हैं बहुत छोटा बनाया गया और अनप्लैंड उस वेले सरकार ने कर दिता। साड़ी ये रिक्वेस्ट हैगी है कि इन घट्टो घट 3 times बड़ा किया जाए और ये थी मैं तुम्हें एप्लीकेशन दी है। सो ये बहुत इंडस्ट्री वास्ते 2-2 घंटे 3-3 घंटे उत्थे जाम लगता जिहड़ी कि फ्यूल एनर्जी और टाइम की वेस्टेज हल्का हो जाती है। मैं पिछले महीने साढ़े बलराम कपूर जी यूके गए साढ़े बहुत वड्डे इंडस्ट्रीज हैगे है इंडिया के अजक यूके है लॉर्ड स्वराज पैलेस उन्होंने कहने तो स्टील किंग उन्होंने वर्ड का कहा जाता सी। बलराम जी उन्होंने मिल के आए तो उन्होंने एक गल दसी बलराम जी ने सू आके इतने दसी कि वह कहें भी इंडस्ट्री उत्थे लाइओ जिथे पोर्ट होवे नेड़े या जिथे एयरपोर्ट होवे जिथे आन जाने के साधन होन तुहाडे कस्टमर भी पहुँच सकन ते तुहाडा मटीरियल भी उत्थों जा सके सौखा। तो एक बड़ा वड्डा काम होया सर 2-3 साल पहले 4 साल पहले आदमपुर एयरपोर्ट सर जलंधर नूं मिलिया बेसिकली वो आदमपुर नाम है पर जलंधर एयरपोर्ट ही है तो साढ़े इंडस्ट्री नूं बहुत वड्डी राहत मिली असी जदों सानूं पता लग्या कि एयरपोर्ट शुरू हो गया। पर कोविड तो बाद उहदे विच तां फ्लाइट्स प्रॉपर नहीं चल रही तो इंडस्ट्री का सर इदा ही है कि अजकल तो तुहानूं पता कि ऑनलाइन सिस्टम है सब कुछ कस्टमर तो ऑनलाइन देखता है तो एयरपोर्ट लगता है जी मैं उस इंडस्ट्री तक कितना अप्रोच करके साढ़े को एक तो मेन रोड ही नहीं है कि आदमपुर जाने वास्ते तो चलो खैर स्टेट गवर्नमेंट बना रही है या हाईवे तो सर तुम रिक्वेस्ट है कि तुम करवा दौ कि इतों सर आदमपुर एयरपोर्ट तो फ्लाइट्स जीडिया है रेगुलर वो सर होनी बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं इतना कोई सोच ही नहीं रहा है देश के बारे में एमएसएमई को हम पीछे छोड़ेंगे देश का आगे जाएगा जी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला एमएसएमई हमारा कोर सब्जेक्ट है जी इसलिए एमएसएमई को हम इग्नोर कर रहे हैं ये विषय है ही नहीं जी हमारे दिमाग में ही नहीं है जी करते ही नहीं है जी आपको मैं स्पष्ट कह रहा हूँ जी जिसके भी अच्छे सुझाव है हमें देना हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे आपके एडवोकेट होकर के हम लड़ाई लड़ेंगे आप बताओ तो सही लेकिन वातावरण थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो कहां बात कर रहे हो वो विषय रहना चाहिए ना। कोई ऐसा प्रोविजन नहीं कंपनी एक्ट में आई एम श्योर जिसमें 2 करोड़ पेनल्टी इंटरेस्ट सब्सिडी और इंटरेस्ट ये दोनों में फर्क है। सब्सिडी देने का सरकार का मन कुछ कम है लेकिन इंटरेस्ट पे छूट देने का मन है। पंजाब में गुंडागर्दी का नंगा नाच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है जिसका ताजा मामला तरनतारन के अधीन आते कस्बा ढल में सामने आया है जहां एक गरीब परिवार के घर को गुंडा तत्वों की ओर से निशाना बनाया गया और घर में दाखिल होकर हमला करके घर में बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई। इस दौरान घर में पड़ी 60,000 रुपयों की नकदी और सोना लेकर गुंडा तत्व फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित भगवान सिंह और उसके पारिवारिक सदस्य ने बताया कि गत दिवस 4 बजे के करीब उक्त हमलावरों द्वारा उन्हें धमकियां दी जा रही थी और वे शिकायत देने के लिए थाना खालड़ा में पहुंचे। जब वे थाने में थे तो हमलावरों सहित 70 से 75 अज्ञात लोगों द्वारा उनके घर में दाखिल होकर बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई। उस समय घर में महिलाएं मौजूद थी जिनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। उन्होंने बताया कि घर में उनकी गर्भवती बहू के साथ भी मारपीट की गई जो इस समय सुरसिंह के सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन है। उन्होंने बताया कि उक्त हमलावरों द्वारा कुछ दिनों से उनके विदेश रहते लड़के पर हमलावरों के परिवार की एक लड़की को फोन करने के आरोप लगाए जा रहे थे जिस संबंधी वे शिकायत देने के लिए थाना खालड़ा में पहुंचे थे और पीछे से उनके घर पर हमला कर दिया गया इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं जब इस संबंधी सब डिवीजन भिकीविंड के डीएसपी प्रीत इंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है जो भी पक्षारोपी पाया गया उसके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भिकीविंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
ਭੰਨਤੋੜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ? ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦਾਤਰ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਕੇ ਵੜੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮੰਮੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸੋਨਾ? ਸੋਨਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਜੁਗਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਧਮਕੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਗਏ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ? ਉਹ ਕੁਛ ਡਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਖਣਾ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ? ਉਹ 70-80 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਜਾਇਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਥਾਣੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੂਹੇ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਦੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਬੂਹਾ ਹੀ ਭੰਨਤਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ SHO ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਰਾਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੋਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰੀਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕੇ 148ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਐਸਾ ਹੁਆ ਜਬ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਕੀ ਸਵਰ ਵਾਦਯ ਸਪਰਧਾ ਮੇਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੀਨ ਤੀਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਜੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਏ ਗਏ। ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਨੋਂ ਕਾ ਸਵਰ ਵਾਦਯ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹਾ। ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੁਗਲੀ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸੰਤੂਰ ਪਰ ਰਾਜ ਚਾਰੂਕੇਸ਼ੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਗੁਰਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਰ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਪਰ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਚੈਤਨਯ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਾਇਲਨ ਪਰ ਰਾਗ ਚਾਰੂਕੇਸ਼ੀ ਮੇਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇਕਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਡਲ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਦੱਸਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਤਾ ਪਾਠਕ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਸਲਮ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕੋ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋ ਵਿਜੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਵਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੀ ਤਾਲਵਾਦਯ ਸਪਰਧਾ ਮੇਂ ਲਖਨਊ ਕੇ ਸੋਹਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹੇ, ਜਬਕਿ ਪੂਨੇ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਵਿੰਦਰ ਬੋਏਟੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਵਿਜੇਤਾਓਂ ਕੋ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਡਲ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਡਿਤ ਰਤਨ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਵਿਜੇਤਾਓਂ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਓਂ ਕੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਡਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਮੇਂ ਸਭੀ ਬੱਚੇ ਵਿਜੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣੇ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। ਗੋਵਿੰਦ ਹੋਏ ਮਾਈ ਮੇਰੇ।
पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम को कि इतनी शिद्दत से सब लगे हुए हैं, तो ये क्यों लगे हैं? क्योंकि उन पे बाबा जी की कृपा है और वो बहुत डेडिकेटेड हैं, टोटली डेडिकेटेड हैं। तो वो उन लोगों ने कितने लोगों को सुना, वो आप लोगों को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, इतना आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि आपसे उम्मीद है कि आप हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाएंगे और विश्व में बहुत नाम करेंगे। तो यहाँ शुरुआत तो यहाँ से हो गई है, तो सभी का आशीर्वाद लेके आप खूब आगे फले फूले और हम कभी कह सकें कि हाँ, हमने हर बल्लक में इनको सुना था, आज हम इनको इतने बड़े स्टेज पर सुना। तो ऐसा मैं पूरा उम्मीद रखती हूँ और मैडम को भी देती हूँ। उन्होंने जैसे इनको प्राइज मिला तो मुझे उगली से लेके पूरा इतिहास आया पंजाब का, आपने बताया बहुत अच्छा, हमें जानकारी भी और इतना अच्छा कि मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, आप सभी लोगों से। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आपने मुझे ये मौका दिया इस पवित्र भूमि पे आने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा हुगली से आया और इस संतूर के कुछ तारे बेसुरी थी, तो मैंने कहा जब तक सुर कर रहा है तो मैंने हुगली से ही शुरू कर दिया, तो माफी चाहेंगे। मेरी इतनी तारीफ कर रही, मैं तो किसी काबिल बयान में नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ, आप मेरा यकीन करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको मैं एक ही आप छोटे मेरे, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, एक तो रियाज कभी मत छोड़ना, रियाज ही सब कुछ है। अब ये मत सोचना कि हमें कुछ नहीं मिला, जब भी मिल जाएगा तुम्हें एकदम मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि तुम रोज याद कर रियाज कर रहे हो तो रोजाना तुम्हें मिलता है, लेकिन जब भी उस रब को तुम उनकी समझ में आ गई ना, रब की एकदम दे देगा तुम्हें, सही बता रहा हूँ। आप रियाज मत छोड़ना कभी, और ये आपको सबको मुझसे वादा करना पड़ेगा, वायदा, कि आप रियाज नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, ये तो कंपटीशन है, और यहाँ आने को आप ये ना समझे कि हम कहीं नहीं गए, आप बाबा साहब के शरण में आए। ये मंच जो है ना, बहुत बड़ा है, ये 148 ईयर्स हो गए, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग गाए बजाए, आमिर खान साहब और सलामत अली खान साहब जब 10 साल के थे तब गाए हुए, आप उनको 5 रुपए दिए थे। हाँ बिल्कुल, और उस जमाने में, ये 40 की बात बता रहा हूँ, मैं नहीं पैदा हुआ तो मुझे बताया बुजुर्गों ने कि आमिर खान साहब जब गए तो उनको 10 रुपए दिए थे और जब सलामत अली खान साहब गए तो उनको 5 रुपए दिए थे। जालंधर के भोगपुर के नजदीकी गांव भट नूरा के रहने वाले नौजवान सुखविंदर सिंह सोनू की अमेरिका में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। 35 वर्षीय सुखविंदर सिंह सोनू 14 वर्ष पहले रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश गया था। विदेश से मृतक के पारिवारिक सदस्यों को उनके दामाद ने फोन कर बताया कि उनके बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल छा गया और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार की ओर से बेटे का संस्कार करने के लिए विदेश जाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही विदेशी धरती पर बनी संस्थाओं को अपील की जा रही है कि उनके बेटे की लाश को पंजाब भेजा जाए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। साडा लड़का सुखविंदर सिंह जो कि अमेरिका 2009 गया सीगा इतों इंडिया तो, ते तकरीबन कल दी इन्हां माता पिता नूं आई खबर, 3-4 दिन हो गए फोन नहीं उन्हें चुकिया, कॉल करते रहे आ, ते कल इन्हां नूं 9 बजे इन्हां दा बाहर जवाई सीगा, उन्हां दी कॉल आई आ भी इतरा इतर लड़के दी एक्सीडेंट हो गया वा, कोई रस्ते च जांदे कोई ट्रक वाला कोई जां कोई पता नहीं, श्योर नहीं हैगा, कोई फैंट मार गया वा। तो मौके के उत्ते फिर बाद विच थोड़े पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में ले आ मुंडे की डेड बॉडी, तो उन्हें फोन किया वा इन्हां दे जवाई ने भी इतरा इतरा लड़का हो गया वा, डैथ हो चुकी उहदी। मंग साडी देखो जी यही है भी साडी प्रशासन तो मंग वा कि चाहे तो इन्हां दे माता पिता नूं वीजा दिता जाए, उधर उहदा अंतिम संस्कार जो उत्थे कीता जा सके, ते जे नहीं तो फिर वो दूसरा उहदी डैड बॉडी जिहड़ी अपनी इत्थे सानू इंडिया भेजी जाए, यही आपां मंग करदे आ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਸੋਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ
कर सकते हो मत तो थोड़ी बहुती प्रशासन नाल बाहर दी नाल डिपार्टमेंट नाल मेल जोल करके तो जे डेड बॉडी इतने भेजी जा सके तो सब तो वधिया वै माता पिता भी अंतिम दर्शन मुंडे दे बच्चे दे 14 साल हो गए बाहर गए नूं। अमृतसर के मुकुट हाउस में स्काई जंपर गेमिंग खुलने से लोगों में उत्साह पाया जा रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए स्काई जंपर के संदीप सिंह और गौरव ने बताया कि स्काई जंप में 12 से ज्यादा जिम जैसी एक्टिविटीज हैं, जिसमें गेम्स जंप के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ प्रशिक्षित स्टाफ है जो बच्चों को उचित गाइड करते हैं। यहाँ आकर बच्चों और बड़ों का खूब मनोरंजन होगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। स्काई जंपर हैगा, स्काई जंपर एक अम्यूजमेंट पार्क हैगा बेसिकली, जिदे च आपा ट्रैम्पोलाइन दे बारे रिगार्डिंग बच्चों सारी एक्टिविटीज कराई जाती है। 12 तो ज्यादा एक्टिविटीज इतने हैगी है सर। नाल साडा सॉफ्ट प्ले का एरिया हैगा आ, ते नाल साडे को ट्रेन जिमनास्ट हैगे आ सर, जिहड़े बच्चों प्रोपर चीज़ों के बारे गाइड करते हैं। तो एज ग्रुप 3 साल तो उत्ते का कोई भी बंदा इतने आके बच्चे आके इंजॉय कर सकते हैं। एज ग्रुप की कोई बाउंडेशन नहीं हैगी ये। 500 तो स्टार्टिंग प्राइज हैगे सर टिकट्स के, नाल आप ग्रिपिंग सॉक्स वक्री ऐड करवाई दी है जिदे करके प्रॉपर ग्रिपिंग सॉक्स होंगी जिदे करके कोई बच्चा स्लिप ना हो या कुछ ना हो। बेसिकली मैं ट्रैम्पोलिन पार्क को देखने की यहाँ पे आप अगर डालना चाहते हैं इसके लिए ज़्यादा, तो ये सबसे अच्छी कार्डियो एक्टिविटी है जिसमें बच्चे इन्जॉय भी करते हैं और हेल्थ भी उनकी सही रहती है। सो एंटरटेनमेंट और कार्डियो का एक बहुत अच्छा मिक्सर है। बाकी जैसा सर ने बताया यहाँ ट्रेन साफ हर चीज़ के लिए हमारी पहली जो प्रायोरिटी रहती है वो ये है कि इनको सेफ्टी दी जाए, सेफ्टी बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट और हाइजीन, उसके बाद फिर हम बच्चों को एंटरटेन। मतलब सर 2 साल से नीचे के बच्चे एक्चुअली थोड़े से अभी अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि मेडिकली भी थोड़ा अभी उनके बहुत फेटी नहीं होते, उससे ऊपर कोई भी जा सकता था। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में माँ बंगलामुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज की देखरेख में हुआ, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य यजमान संजय अरोड़ा से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से माँ बंगलामुखी जी के निमित्त मालहै मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डलवाई। वहीं हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए मां भक्तों से कहा कि जिस मनुष्य के जीवन में संस्कारों का अभाव है वह व्यक्ति समाज और ईश्वर के निकट नहीं जा सकता। अगर संस्कार जीवन में है तो आज भी ध्रुव प्रहलाद जैसी संतानें धरती पर आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि ध्रुव के जीवन में वेद वेदांत का ज्ञान संस्कारों से आया। आज का मनुष्य वस्त्र आदि से मनुष्य दिखता है लेकिन आचरण पशु तुल्य है। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य करुणा भावना चली गई हो वह मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान होता है। अंत मनुष्य को सत्संग भजन एवं आचरण के द्वारा जीवन को धन्य बनाना चाहिए, तभी मानव जीवन का उद्देश्य सफल होगा। वे उन्होंने कहा कि नारायण की भक्ति में ही परम आनंद मिलता है, उसकी वाणी सागर का मोती बन जाती है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, वासनाओं का त्याग करके ही प्रभु से मिलन संभव है। इस अवसर पर तमन्ना अरोड़ा, सीए राजीव बांसल, एडवोकेट राजकुमार, रोहित भाटिया, सौरभ रवि, समीर कपूर, सौरभ अरोड़ा, राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, अमरजीत सिंह, बाबा जोशी, नवदीप, उदय, अजीत कुमार, गुलशन शर्मा, अश्विनी शर्मा, धूप वाले, मुनीश शर्मा, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विवेक शर्मा, श्यामलाल, अभिलक्ष्य चुग, सुनील, राजीव, राजन शर्मा, प्रिंस, अशोक शर्मा, ठाकुर बलदेव सिंह, अजीत साहू, प्रवीण, दीपक, अनीश शर्मा, साहिल, सुनील जग्गी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी विशाल लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जप करो मां बगला मुखी जी दा, बोल साजे दरबार की जय, दरबार की जय हो, दरबार की जय हो, मां के प्यार की जय हो, मां के प्यार की जय हो। जाने पर बोल दे सुना तो गुरु का करता वाली ना रही सराही जय मां बगला मुखी ता गुरुओ की ਲਮਾਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇ ਮਹਾਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹਵਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜਗਦੰਬਾ ਦੇ ਖੇੜਾ ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਹੈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿ 31 December 2023 ਦਿਨ ਰਵੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 to 12 ਵੱਡਾ ਹਵਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ 9 to 12 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹਵਨ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਂ ਲੰਗਰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਰਾਤੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵੀ ਅਹੋਗੀ ਲਾ ਲਈਆਂ ਔਰ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੱਕੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ 9 to 12 ਹਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤੀ ਵੀ 9 to 12 ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੌਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ क्रिसमस के शुभ अवसर पर लम्मा पिंड चौक में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर सहोता परिवार की ओर से केक काटकर खुशी मनाई गई जिसमें युवा भाजपा नेता रॉबिन सांपला ने विशेष रूप से उपस्थित होकर केक काटकर सभी लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी इस मौके पर आप नेता अमित ढल प्रीति मंगा भाई सौरभ भाई गौरव भाई सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे इस अवसर पर सहोता परिवार की ओर से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट हर साल की तरह प्रभु यीशु जी को याद करते हुए विशाल लंगर लगाया जाता है और असी अपनी पार्टी वालों अपने वालों सारी आई हुई संगत और इस परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद दें और प्रभु जी अगर अरदास बेनती करते हैं कि ये वध तो वध होर इस तरह के लंगर लाने और प्रभु को याद कर मकी सहोता उन्होंने परिवार को अच्छ जो मसीह के नवे साल से ये जरा लंगर लगया गया है तो मैं परमात्मा के यही दुआ करता तो दिन दुगनी रात चौकनी तरक्की करा कि इस तरह ही लंगर लगाते रहन सोता प्रवाह अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों में हवन में आहुतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी देवेश्वरम सिकंदर अश्विनी कुमार यादव अमित गुप्ता कमल मल्होत्रा आयुष यादव अंकुर मल्होत्रा डॉक्टर मुकेश अरोड़ा डॉक्टर मुकेश यादव इकबाल सिंह बिनी वोहरा मोहित जैन उषा देवी मीना शर्मा ललिता नीलम रानी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिओं स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां
वचन मुखम पदम स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। एक संदेश देना चाहते हैं कि उस संदेश के द्वारा समस्त जो ब्रह्मांड है वो सभी सनातन और उनकी ही वो शाखाएं हैं, तो सनातन से ही ये ब्रह्मांड शुरू हुआ है और सनातन से ही इसका अंत होगा। बिना सनातन के कोई भी, चाहे जितने भी अतताई आए, वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो शक्तियां हैं दिव्य शक्तियां हैं, हर सनातनी के पास वो दिव्य शक्ति है कर्म की, साधना की और हवन यज्ञ की। हवन यज्ञ में इतनी ज्यादा पावर है कि अगर इसको हम रोज करते हैं तो हमारे जो भीतर की अग्नि है उसको ये इतना उज्जवल कर देते हैं कि हमें संपूर्ण ब्रह्मांड का जो बल प्राप्त होता है। जालंधर के अमन नगर में होठी सीमेंट स्टोर के बाहर छोटे साहिबजादों की शहादत को समर्पित भव्य लंगर लगाया गया। इस अवसर पर जसपाल सिंह, सतपाल सिंह, सरबजीत सिंह मांझी, बब्बू वर्मा, जॉनी वर्मा, हनी वर्मा, सनी शर्मा दूनी, गुरसहज सिंह, बबलू खन्ना, मनी महम्बी, मनु हरनेक सिंह, मनु छाबड़ा, सरवन सिंह बिट्टा ने संगत में लंगर वितरित कर अपना योगदान दिया। इस दौरान सभी ने वाहेगुरु जी का सामूहिक जाप कर चार साहिबजादों की शहादत को नमन किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बब्बू वर्मा अमन नगर तो अज छोटे साहबजादे की याद में मैनू मौका मिलया दोधरा लंगर लाने का, दोधरी सेवा जो भी मेरे तो सरिया मैं लाया उन्होंने याद के फिल्म भी चलाई चार साहबजादे, जो कि बहुत लोगों ने बहुत आनंद लिता वह, मैं तह दिलो सारे का बहुत धन्यवाद हाँ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। थाना लांबड़ा के अंतर्गत आते गांव तराड़ के पास से गुजर रही नहर के पास एक महिला का मिला शव, नहीं हो पाई पहचान। जालंधर की क्राइम ब्रांच की टीम ने वारदातों को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को किया काबू, 20 वारदातों को किया ट्रेस। होशियारपुर के थाना गढ़शंकर की पुलिस ने एक आरोपी को किया काबू, एक देसी पिस्तौल, तीन जिंदा रौंद और मोटरसाइकिल किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।